आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आए हैं दशहरे के मेले में, लास्ट दिन है आज। रावण को देखने आए थे, लेकिन वो पहली मूर्ति आपकी छोटी सी के लिए बना पाए हैं और बहुत भीड़ है, बहुत जो भी बनी है वो दिखाएंगे। और भीड़ इतनी है कि हम ऐसे ऐसी चीज चीज करके आए थे और हमने बहुत वीडियो रिकॉर्ड करी है। जल्दी 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 भागने की कि हम आपको दिखा सके कि रावण यहाँ का कैसे चला, लेकिन हमारी कोशिश थोड़ी नाकाम रही क्योंकि हम भीड़ की वजह से जल्दी आ नहीं पाए यहाँ पर। पहले तो गाड़ी न लगा पाए, गाड़ी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। बस अभी मेरा जान अपनी गाड़ी से बचा हुआ है। अभी नहीं चला, अभी नहीं। मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ ये दशहरे में देखने के लिए मेला। अब देखते हैं रावण कैसे चलता है। फोन दे दिया ना तुम्हें, साथ साथ रहना। पर ना ऊपर ले ले, गोदिल से ऊपर। नंबर ही नहीं आ रहा आजकल। जीता इतनी भीड़ है कि हम फंस गए। दुकान वाले बैठ पर साइड को जा। छोटी है पीछे से अपना दिख रहा है। कहाँ है रावण? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तो देख कर नीचे देख। मैं लगा रहा हूँ बोलो, नहीं तो जो भी था कुंभकर्ण का। चलो चलो सारे हो जाएंगे। भीड़ बहुत ज्यादा थी ना, बताओ। भीड़ बहुत ज्यादा है। हम जल्दी 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 आए, लेकिन फिर भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। वो पहले पार्किंग में दिक्कत हुई, अब सब पार्किंग में हम लेट हो गए और पसीने कितने बह रहे हैं, लेकिन फिर भी दिख गया। और हम इतना तैयार हो गए, भीड़ में घुसते घुसते पसीना पसीना हो गए। और चलो जो भी था, जो हमने देखा वो आप भी देख लेंगे थोड़ा बहुत। बाकी तो हर जगह चलिए, एक घंटे में खाली है। अभी चेसिस दिख रही है, उसकी हड्डी। चलो ये जो गाजीबाग का कवि नगर मेला है, इसमें रावण 80 फीट ऊंचा बनाया गया था। और आप थोड़ा सा अगर दिखेगा तो हमने दिखाने की कोशिश करी है। 80 फीट ऊंचा बहुत बड़ा होता है। यहाँ का सबसे ऊंचा रावण बनता है। 80 फीट ऊंचा
एक महीने पहले से बना रहे हैं इसको, देखो इसकी बहुत चमक रही है ना अभी भी, पूरी तरह से नहीं चला ना, ऊंचाई तो दिख रही है। अगले साल को टाइम से पहले आके बैठ जाएंगे फिर बनाएंगे। वो 6:30 बजे चल जाएगा पहले। ओके बाय बाय बाय।